हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोविंद के 100 इंटरटेनमेंट पर। मैं हूं गोविंद आर्यन। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं। अच्छा, एक गाना है जिसको लेकर दर्शक जो है भोजपुरी इंडस्ट्री के ऑडियंस है, उन लोगों ने एक हवा बना दिया है उस गाने को लेकर। वो गाना है खेसारी लाल यादव जी का, जो गाना है कि यार रहे ट्रेंडिंग में, बता रहे पेंडिंग में, ऐसे कुछ है, या बता रहे ट्रेंडिंग में, यार रहे पेंडिंग में, ऐसे कुछ सॉन्ग है। तो उस सॉन्ग को हमारे दर्शक जो हैं, व्यूवर्स जो हैं, ऑडियंस जो हैं, वो लोग ये उसे वायरल कर रहे हैं, हवा बना रहे हैं कि खेसारी रही हैं ट्रेंडिंग में, पवन रही हैं पेंडिंग में। मगर मैं आपको बता दूँ, ये लाइन है एक्चुअल गाने में, ये लाइन है, मगर पवन सिंह भैया के लिए नहीं है, ये पवन पांडे जी के लिए है जिन्होंने ये गाना लिखा है। और वो लिखे हैं तो उनका हक बनता है कि सॉन्ग में उनका नाम लिया जाए। अगर इसका टाइटल देखा जाए तो जो थंबनेल पे टाइटल लगाया गया है वो गलत है, मैं इससे सहमत हूँ कि वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए एक तरीके से देखा जाए। और इसका टाइटल रखना चाहिए यही जो टाइटल है, यार रहे ट्रेंडिंग में, बता रहे पेंडिंग में, या बता रहे ट्रेंडिंग में, यार रहे पेंडिंग में, ऐसे जो कुछ है उस चीज़ को लगाना चाहिए। और हमारी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हवा ना बनाएं। दोनों लोग खेसारी भैया, पवन भैया बहुत अच्छे मित्र भी हैं, उन दोनों लोगों के बीच में आप गलत गलत अफवाहें ना फैलाएं। हमारी रिक्वेस्ट है क्योंकि आप भी उस समाज से हैं, हम भी उस समाज से हैं, तो प्लीज़ आप लोग फालतू के पोस्टर और मीम्स और फालतू के अफवाहों को ना फैलाएं। उन्होंने गाया है और पवन पांडे जी ने लिखा है, तो उस चीज़ को वहाँ पे किया गया है, और ना कि पवन सिंह भैया के लिए किया गया है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग गाना सुने, मज़ा लें, इंटरटेनमेंट करें लोगों का, मगर गलत अफवाहों को ना फैलाएं। थैंक यू।